कितनी जगहों पर क्या होता है, नौजवान मुतहरिक हो जाते हैं ईद के दिन से पहले, चंदा जमा करने आते हैं, कहते हैं कि हम लोग ईद के दिन का चंदा जमा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग दीनी जज्बे से बोले ईद का चंदा है ये लो भाई, और मिलकर चंदा जमा करते हैं। चंदा जमा करके क्या करते हैं, बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाते हैं। बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाकर सुबह सुबह शुरुआत होती कव्वाली से, और थोड़ी देर बाद कव्वाली थोड़ा 1-2-3 घंटे चली, फिर उसके बाद गाना बजाना शुरू। फी हादिहिल उम्मा, इस उम्मत में हस्फुन व मस्खुन व कदफुन, लोग जमीन में धसाए जाएंगे, चेहरे बदल दिए जाएंगे, पत्थरों की बारिश होगी। ये काम ईद के दिन जो इस उम्मत का मनाने वाला दिन है, जो अल्लाह ताला हमारे लिए इनाम के तौर पर रखा है, उस दिन ये काम करेंगे, और वो भी ईद मनाने के तौर पर। मेरे भाइयों मेरी बहनें, ऐसे चंदों में कोई ताउन नहीं करना चाहिए। कुरान की आयत है सूरह मायदा की 2री आयत, वला तावनु अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाहों और नाफरमानी के कामों में ताउन मत करो। तावनु अलल बिर्रि व तकवा, नेकी और भलाई के कामों में ताउन करो, हमें सिखाया गया है, और गुनाह और नाफरमानी के कामों में ताउन मत करो। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, इसमें हमें पीछे रहना चाहिए, रोकना चाहिए, समझाना चाहिए। अक्सर क्या मामला है, ये जो लोग आते हैं ना, जज्बे वाले लोग होते हैं, लेकिन उन्हें मालूमात नहीं होती है। उन्हें अगर पता चल जाए कि देखो कितना बड़ा गुनाह है, तुम पूरे इलाके को गुनाह में मुलविस कर रहे हो, इसमें मत पड़ो। और ये हमारे यहाँ ईद मनाने का सिस्टम बताया गया है, हमें ईद कैसे मनाना है प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया, हमें वैसे ईद मनाना है। ये जो ईद मनाने के दूसरे तरीके लोग निकालते हैं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये दूसरे मजहबों की मुशाबहत इख्तियार करना, ये कोई जरूरत नहीं है। मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा उन्हीं में से है। सुनन दाऊद की सही हदीस है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनें, ईद का दिन अल्लाह के इनाम का दिन है। हमने पूरा महीना रोजा रखा, अब हमें क्या होना चाहिए पता है आपको, कि कोई भी नेकी करो तो नेकी करने के आखिरी हिस्से में अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए, अल्लाह से तौबा करना चाहिए, अल्लाह से कबूलियत की दुआएं करनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा बना रहे हैं, काबा, और क्या दुआ कर रहे हैं, रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐ अल्लाह हमसे कबूल कर ले, इन्नका अंत समीउल अलीम, तू सुनने वाला है, जानने वाला है, व तुब अलैना, हमारे तरफ अल्लाह तू पलट जा रहे, माफ कर दे, हमें रहम कर दे, इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, यकीनन तू माफ करने वाला, बार बार पलटने वाला, रहम करने वाला है। तो होना क्या चाहिए, ये आखिरी हिस्से में हमें तो अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए, और ईद के दिन, ये दिन हमें अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह तू कबूल कर ले, कबूल कर ले, क्योंकि नेकी तो किए लेकिन नेकी कबूल करना अल्लाह के हाथ में है। ये नेकी करके कोई फायदा नहीं जब तक वो कबूल ना हो जाए, और उसकी कबूलियत असल बात है। कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हम देखते हैं सहाबा इकराम के बारे में आता है कि जब वो लोग एक दूसरे से, यहाँ तक कि ईद भी मिलते तो ये दुआ देते थे एक दूसरे को, तकब्बल अल्लाहु मिन्ना व मिनकुम, अल्लाह कबूल कर ले तुमसे और हमसे। कबूलियत असल चीज़ है। तो ये कबूलियत के दिन, जिस दिन हम एक दूसरे के लिए कबूलियत की दुआएं करें, वो दिन क्या गाना बजाना करेंगे? हम देखते हैं कि बहुत सारी हमारी बहनें ईद के दिन अच्छे कपड़े बनाती हैं और अच्छे कपड़े पहनती हैं, तो वो चाहती हैं कि ये कपड़े देखे भी कोई, और इसी वजह से देखा जाता है कि ईद के दिन बहुत बेपर्दगी भी होती है। जो हमारे इनाम का दिन है, जो हमारे मनाने का दिन है, अल्लाह ने हमारे लिए मुकर्रर किया, क्या उस दिन हम अल्लाह की नाफरमानी करेंगे? तो मैं अपनी बहनों को उभारूँगा कि अल्लाह ताला की बंदियों से अल्लाह ताला चाहता है, क्या चाहता है, जैसे अल्लाह ताला ने हमें कुरान में बताया कि या यो नबी, ए नबी, कुल्ली अज़वाजिका, अपनी बीवियों से कह दो, वो बनातिका, अपनी बेटियों से, वो निसाइल मोमिनीना, और मोमिना औरतों से, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि जब वो अपने घरों के बाहर जाएँ तो अपने जिल्बाब को, अपने आउटर गारमेंट यानी अपने बुरखों को पहन ले, ज़ालिका अदना अन युरफ़ना, ये बेहतर है उनके लिए कि वो पहचानी जाएँ, फला युज़ैना, और परेशान ना की जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज़्ज़त रखी मोमिना औरतों के लिए उनके हिजाब में। उसी तरह हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया सूरह नूर में सूरह 24 आयत नंबर 31, कुल लिल मोमिनाती, कह दो मोमिना औरतों से, कुल लिल मोमिनाती यग़्दुदना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहन्ना, कि वो अपनी नज़रों को नीची रखें, अपनी पाकीज़गी की हिफाजत करें, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और अपनी खूबसूरती को ज़ाहिर ना होने दें, इल्लामा ज़हरा मिन्हा, सिवाय वो जो ज़ाहिर हो जाए, वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबूलतिहिन्ना, और अपनी खूबसूरती को ज़ाहिर ना होने दें सिवाय अपने शौहरों के सामने, और आबाइहिन्ना, उनके वालिद के सामने, और फिर महरम की लिस्ट दी गई है जिनके सामने वो अपनी खूबसूरती को ज़ाहिर कर सकते हैं। तो हम अपनी बहनों से कहते हैं कि देखिए, जो चीज़ अल्लाह नापसंद करता है वो ना करें। अल्लाह ताला अपनी मोमिना बंदियों से ये चाहता है कि वो अपनी खूबसूरती को ज़ाहिर ना करें, ना महरम मर्दों के सामने, तो ये चीज़ का वो ख्याल रखें। अल्हम्दुलिल्लाह औरतें आपस में जब हिजाब का इंतज़ाम हो तो वो कर सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। उसी तरह देखा जाता है कि बहुत सारे लोग ईद के दिन हाथ जब मिलाते हैं तो तो बहुत सारे लोगों में ये भी कल्चर चलता है कि मर्द औरतों से भी हाथ मिलाते हैं और औरतों से हाथ मिलाना ये चीज़ मिलती है। तो मैं आपको एक हदीस बताना चाहता हूँ। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी के सर में लोहे की सुई डाल दी जाए, खैरुल लहू, बेहतर है उसके लिए, बनिस्बत इसके कि वो किसी ऐसी औरत को छुए जो उसके लिए हलाल नहीं है। जो औरत को छूना हलाल नहीं है उसको छूने से बेहतर है कि सर में लोहे की सुई डाल दी जाए। ये हदीस हमें सही अल-जामे में मिलती है, सुनन इब्न माजा की हदीस है। तो ये बात का ख्याल रखें कि अल्लाह ताला ये नहीं पसंद करता। जो इस्लाम का दायरा है, जो अल्लाह ताला ने बताया, जो हमारे भले के लिए है, जो बेहतर दुनिया के लिए, बेहतर आखिरत के लिए है, हमें उस दायरे में सरेंडर होकर जीना चाहिए। यही तो रमज़ान की ट्रेनिंग थी। क्या ट्रेनिंग पाए रमज़ान में? यही तो ट्रेनिंग थी कि खाना छोड़ दिए अल्लाह के लिए, पानी छोड़ दिए अल्लाह के लिए, हलाल होने के बावजूद छोड़ दिए। क्यों? अल्लाह का हुक्म था। तो जब अल्लाह के लिए हलाल छोड़ सकते हैं तो जो अल्लाह ने मना किया वो नहीं छोड़ सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ये सब चीज़ों पर अमल करना है, इन बातों का इंशाअल्लाह ख्याल रखना है। अब ईद के दिन के ताल्लुक से चंद बातें हम देखेंगे। ईद के दिन के ताल्लुक से हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने ये दो ईदें जो हमारे लिए मुकर्रर की है, ये हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक इनाम का दिन है, हमारे लिए मनाने वाला दिन है। और मनाने के अंदर इस्लाम के दायरे में रहकर, जो शरीयत का दायरा है उस दायरे में रहकर। ईद उल फित्र के ताल्लुक से हम इंशाल्लाह आप देखते हैं, ईद उल फित्र जो ईद है रमज़ान के बाद की ईद, जो 1 शव्वाल के दिन होती है, उसके अहकाम के ताल्लुक से सबसे पहली बात कि हम देखते हैं कि ईद की नमाज के लिए जाना अल्हम्दुलिल्लाह मुकर्रर किया गया हमारे लिए। और हम देखते हैं कि इसके लिए ईद के दिन का ख़ास गुस्ल लेना और फिर जाना, ये अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत है। जैसे अली रज़ियल्लाहु अन्हु से किसी ने पूछा कि मैं उस गुस्ल के ताल्लुक से पूछता हूँ, अल-गुस्लुल्लज़ी हुवल-गुस्ल, जो खुसूसी गुस्ल है, तो उन्होंने बताया वो जुम्मा के दिन है, अरफा के दिन है और दोनों ईदों के दिन है। तो ईद के दिन का गुस्ल लेना अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तहब है। फिर जो कपड़े हमारे पास है उनमें से जो अच्छे कपड़े पहने। जैसे उमर रदियल्लाहु अन्हु ने एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रेशम का लिबास हदिये में देते हुए कहा, तजम्मल बिहा फिल ईद वल वफूद, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको ये दे रहा हूँ ताकि आप इससे खूबसूरती इख्तियार करें ईद के दिन। और जब वफूद आपके पास, जब लोग मिलने डेलीगेशन आते हैं, वफद आते हैं, तो उनसे मिलते वक्त ताकि आप ये पहनो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उन्हें करेक्ट किया वो इस चीज़ के ताल्लुक से सुधारा कि नहीं, रेशम पहनना मना है, लेकिन ये चीज़ के ताल्लुक से नहीं कहा कि नहीं, ईद के दिन खास अच्छे कपड़े नहीं पहने जा सकते। तो जो आपके पास कपड़े हैं, जैसे हमें अनस रदियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु अन्हुमा, उनके ताल्लुक से मिलता है कि उनके पास जो कपड़े होते हैं उनमें अच्छे कपड़े वो पहनते। तो आपके पास जो भी कपड़े हैं उनमें अच्छे कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह पहनिए। उसी तरह हम देखते हैं ईद उल फित्र की एक बहुत प्यारी सुन्नत है, और वो ये सुन्नत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए नहीं जाते यहाँ तक के कुछ खजूर ना खा लेते, यहाँ तक के कुछ खजूर ना खा लेते। अब पूरा महीना रोज़ा रखे, ईद के दिन ऐसी फीलिंग नहीं आनी चाहिए मैं रोज़े से हूँ। ईद के दिन खजूर खा लेना चाहिए और कुछ खा पी के निकलना चाहिए ताकि ये एहसास हो कि मैं रोज़े से नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत ये है खा कर जाना ईद की नमाज के लिए। जाहिर सी बात है जब ईद की नमाज का ख्याल रख रहे हैं तो आपकी 5 वक्तों की नमाज़ों का भी ख्याल रखना है। फजर की नमाज नहीं मिस करनी है और ईद के दिन ये सब तमाम चीज़ों में गफलत नहीं बरतनी। अल्लाह ताला ने जो अहकाम, जो चीज़ हम पर फ़र्ज़ की, वो फ़राइज़ पूरा करने में पीछे नहीं रहना है। ईद की नमाज के लिए निकलते टाइम पर हम ये देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीरात कहना शुरू करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो ईद के दिन की तकबीरात है, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये चीज़ हमें कहना मिलता है यहाँ तक के मुसल्ले तक ना पहुँच जाए, यानी नमाज के लिए जो ईदगाह है वहाँ तक ना पहुँच जाए। जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो नमाज के लिए जब खड़े होते हैं वहाँ से वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, रुक जाती है। उसी तरह हम ये देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत है कि जाते और आते टाइम पर खालफत तरीक़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता बदला करते थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनें, मैं आपको एक ऐसी सुन्नत, बल्कि एक ऐसी सुन्नत जिस पर हुक्म है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, यानी कि वाजिब है, के ताल्लुक से बताना चाहता हूँ, जो हम सबको कोशिश करना चाहिए कि वो सुन्नत को हम जिंदा करें। सही बुखारी में हदीस है कि उम्मे अतिया रदियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, उमरना, हमें हुक्म दिया गया था, उमरना अन नखरुजल हुयदा व ज़वातिल खुदूर यौमल ईद, कि हमें हुक्म दिया गया था कि हमारी औरतों में जो औरतें हैज़ तक पहुँच गई हैं वो औरतों को, और ज़वातिल खुदूर यानी जो लड़कियां हैं जो चादर में रहती हैं, ज़वातिल खुदूर, वो सबको लेकर हम निकलें। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी के पास जिल्बाब ना हो, अगर उसके पास बुरखा ना हो पहनने के लिए, तो वो क्या करें? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उसे चाहिए कि अपने साथी के पास से ले ले। तो हम देखते हैं कि यहाँ तक का हुक्म दिया गया और सारी औरतों को भी ईद की नमाज के लिए ले जाना हमें मिलता है। तो हमें चाहिए कि इस हुक्म पर भी हम अमल करें, इसको भी जिंदा करें। कैसे होगा? ईद की नमाजों में अल्हम्दुलिल्लाह हमें जहाँ जहाँ पर अल्लाह ताला ने मौका दिया है वहाँ ये इंतज़ाम करना चाहिए कि ईदगाह में नमाज हो। ये सुन्नत है कि ईदगाह में सब जगह से मुसलमान जमा हो और जमा होकर औरतें भी आएँ, औरतों के लिए भी इंतज़ाम हो, अलग जगह इंतज़ाम हो। और इसके अंदर ये बताया गया है कि हाइजा औरतें भी जाती थी लेकिन वो लोग मुसल्ले यानी नमाज के एरिया से अलग रहती थी, लेकिन तकबीरात में शरीक रहती थी, दुआओं में शरीक रहती थी। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे औरतों को भी बहुत ज़रूरत है नसीहत की, याद दहानी की। हाँ, औरतें जब जाएं तो उन्हें बुरखे में जाना चाहिए, उन्हें इत्र नहीं, परफ्यूम नहीं लगाना चाहिए क्योंकि मना है ये, और इस ताल्लुक़ से बहुत सख्त हदीसें हैं। तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल भी रखना चाहिए। ईद के दिन एक बात ये भी ख्याल रखना चाहिए कि सही बुखारी की हदीस है कि दोनों ईदों में रोज़ा रखना मना है।